गाड़ी में जब भी आप फ्रंट विंडशील्ड फॉग हो जाता है तो उसके लिए नॉर्मली ये फ्रंट डिफ्रॉस्ट मोड इसको ऑन करते हैं, या फिर यहाँ से आप यहाँ पे देखिए ये चेंज हो रहा है मोड, तो ये विंडशील्ड में हवा आने का जो पोजीशन है इसमें आता है। लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, अब नॉर्मल कंडीशन में है, फेस एयर मोड में है, आपका ये ऑप्शन अगर है तो आप जैसे ही इसको दबाएंगे तो ये जो रिसर्कुलेटिंग का मोड है ये चेंज होकर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश एयर में चला जाता है। ये देखिए मैंने इसको दबाया तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश एयर में चला गया, जैसे इसको ऑफ किया तो फिर वापस ये चलाया, तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है सेटिंग। या फिर अगर यहाँ से भी करेंगे, देखिए चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अब दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि बाय डिफॉल्ट गाड़ी में ये सेटिंग रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर, सपोज आप किसी ऐसी एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा गंदा मतलब स्मेल, बैड स्मेल आता है, आप फ्रंट विंडशील्ड को डिफ्रॉस्ट करने के लिए जैसे ही स्विच दबाए तो बाहर का बैड स्मेल गाड़ी के अंदर चला आया, या फिर बहुत डस्टी एरिया है, पॉल्यूशन एरिया है, उस कंडीशन में भी अगर आप फ्रंट विंडशील्ड ऑन करते हैं मतलब डिफ्रॉस्ट करने के लिए, तो बाहर का जो वो गंदा हवा साथ साथ ब्लैक स्मेल पॉल्यूशन सब गाड़ी के अंदर आएगा, तो आपको भी एक मतलब कैसा लगेगा। तो इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जाने की एक सिस्टम है, एक टिप से, एक ट्रिक से हल्का सा। अब ये मैं दिखा रहा हूँ आपको FATC मॉडल में, बट आपके पास हो सकता है कि मैनुअल मॉडल, जो मैनुअल AC है उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये FATC में दिखाते हैं कि कैसे आप इस मोड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे घुमाओ। अब दोस्तों इसके लिए पहले तो आपको गाड़ी का जो इग्निशन है वो इग्निशन स्विच ऑन करना है, मतलब की ऑन कंडीशन में रहेगा। उस कंडीशन में फ्रंट विंडशील्ड का जो ये डिफ्रॉस्ट मोड है इसको ऑन कंडीशन में रखना है। इस कंडीशन में AC स्विच को एक उंगली से दबाना है और ये स्विच को 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ देना है, ठीक है। ये ब्लिंक हुआ, अब देखिए इसको जब मैं दबा रहा हूँ, ऑन ऑफ कर रहा हूँ, देखिए इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट जो है वही हमको सही लग रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्विच है इस स्विच को हमेशा आपको ऑन रखना है, नहीं तो ये एक्टिवेट डीएक्टिवेट नहीं होगा। ये स्विच ऑन है इस कंडीशन में, अगेन AC स्विच ऑफ, 1, 2, 3, 4, 5 ओके। अब इस कंडीशन में देखिए ये फिर वापस अपने मूड में चला आया। अब एक आपको मैनुअल मूड में जो ये FATC मॉडल है, अब मैं आपको एक मैनुअल गाड़ी में करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये एक मैनुअल AC है, इसमें अगर आप चेक करेंगे बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन रहता है, इसको जैसे मैंने घुमाया ऑटोमेटिक देखिए ये आ गया, ठीक है ओके। और अगर आप ये देखिए इसके साथ साथ AC भी ऑन होता है, ये देखिए AC भी ऑन हो गया, यहाँ पे आ गया AC भी ऑन हो गया, फिर जैसे मैंने इसको, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है। अब मेन हमारा मकसद है इसको ऑन ऑफ एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना, तो इसके लिए करना क्या है आपको, पहले ये घुमा के इस पोजीशन में लाना है, अब फिर आपको अगर इसको डीएक्टिवेट करना है, अब देखिए ये काम नहीं, मतलब जो पहले हो रहा था वो नहीं हो रहा है। इवन मैं अगर ब्लोअर स्पीड को ऑफ करके भी आपको दिखाया, इस कंडीशन में भी अगर दिखाते तो देखिए ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बैड स्मेल वाला जो झमेला है ये झंझट खत्म हो गया। इसको डीएक्टिवेट करना है तो फिर इस मोड में लाना है, ओके फिर डीएक्टिवेट हो गया। अब देखिए प्रोसेस सेम ही है। दोस्तों ये था आज का छोटा सा टिप्स, और आई होप के इससे पहले आप YouTube में शायद ये वीडियो नहीं आपको मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड छोटे मोटे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।